अन्न पानी सब जा। अन्न पानी का त्याग कर दे। आप में से कई माताएं ऐसी हैं जो पूरे 3 घंटे की कथा को खड़े होकर सुनती हैं। कोई कोई माता ऐसी हैं सुबह से कुछ नहीं खाती हैं। कोई कोई भाई ऐसा कुछ नहीं खाता। कथा पूरी हो जाएगी तब भंडारे में जाएगा, तब भोजन करेगा, तब तक सुबह से इतना बड़ा बड़ा पेड़ ओढ़ने का कम्बल, बिछाने की चादर, दवाई गोली जो तुम्हें लगता है सब साथ में लेकर अपने। जैसे ही कथा पूरी हुई लोगों ने अपना अपना पीछा बिछाया। हम अमरावती के लोगों से कहेंगे भाग्यशाली हो जो तुम्हारे नगर में ये कथा हो रही है। दिन में समय नहीं मिले तो रात में आकर इनका दर्शन करो, दर्शन जरूर करो। ये मौका ये नहीं मिल सकता। जब रात्रि को लोग भजन करते हैं, आसपास की टोलियां कोई ढोल कोई मंजीरा कोई नगाड़े कोई डीजे कोई बैंड बाजा ले लेकर आ जाते हैं, भगवान की भक्ति में डूब जाते हैं, ये दर्शन फिर नहीं हो सकता। बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल।